अब हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इलेक्शन हमारे चालू हैं, तो मेरे को नेशनल पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राठकर जी ने मेरी ड्यूटी हिमाचल और हरियाणा का प्रभारी महिला मोर्चा को, तो हिमाचल में भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं और हरियाणा में तो पूरा विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो जो मेरी बहनें चंडीगढ़ की हैं वो क्योंकि यूटी होने के नाते, कैपिटल होने के नाते चंडीगढ़ यूनिट जब पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर या हिमाचल में इलेक्शन होते हैं तो बड़े सक्रिय रूप से काम करती हैं, तो मैंने आज मीटिंग कॉल की और मेरे साथ जो यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट है सुनीता थबन जी और उनकी महामंत्री जसविंदर जी और नीलम जी, उन्होंने डिसाइड किया कि हरियाणा में कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले में हमने बहनों की ड्यूटी लगानी है, तो आज हम उन बहनों के नाम फाइनल करेंगे कि इसको पंचकुला में, इसको कालका में, इसको अम्बाला में, इसको करनाल में, इसको पानीपत में, इसको नीलाखेड़ी, पूरे हरियाणा में हमारे चंडीगढ़ भाजपा की महिलाएं, भाइयों की ड्यूटी भाई संजय टंडन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगा चुके हैं, और हम जो फीमेल हैं तो आज मैंने उसकी ड्यूटी लगाऊंगी और फिर वो अपनी अपनी टीम बनाकर उस क्षेत्र में काम करेंगे, और 24 तारीख को विजय पताका जब भाजपा की सरकार दोबारा बनने वाली है हिमाचल में, हम इसी ऑफिस में ढोल नगाड़े के साथ उस विजय को भी मनाने वाले हैं, तो आज तो सिर्फ अभी कमर कस करके एक सपाही बन के, सैनिक बन के हम हरियाणा में महिला मोर्चा चंडीगढ़ वहाँ उतरेगी चुनाव में, उसके लिए बैठे हैं। इसमें टोटल कितने में कहाँ कहाँ पे लगाना? नहीं नहीं, इलेक्टेड तो हम काउंसलर हैं जो भी हैं भाजपा की हैं, लेकिन मैंने काउंसलर की मीटिंग नहीं बुलाई, मैंने महिला मोर्चा जो है उसमें हमारी ऑफिस रहें 21 के करीब ये महिलाएँ, लगभग हमें हमारे पास चंडीगढ़ में 100-150 महिला बड़ी सक्रिय रूप से काम करती है, तो जो अपने घर से टाइम निकाल पाएगी, जो कम टाइम निकालेंगे उनको हम पड़ोस में अम्बाला हो गया, पंचकुला हो गया, वहाँ हमारे भाई ज्ञान गुप्ता जी कर रहे हैं, तो गुप्ता जी तो हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे फर्स्ट यहाँ पे मेयर भी रहे हैं सेकंड टाइम, तो उनके वहाँ जाकर शाम को घर आ जाएंगे। जिन बहनों का किसी का ससुराल पानीपत है, किसी का करनाल में है, कोई नीलाखेड़ी से है, कोई गुड़गांव से है, तो वह अपना मायका या ससुराल या कोई फ्रेंड सर्कल वहाँ जाकर भी कंपेन करने वाली हैं, अपनी गाड़ी में जाती हैं और अपने उससे करती हैं, तो वो सारा मतलब जिम्मेवारी संभालती हैं, ऐसे जाएंगी लगभग जितनी बहनें अपनी मर्जी से बोलेंगी हम 2 दिन लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, तो पूरे इलेक्शन में ऐसे सक्रिय रहेंगी। 100% ज्ञानचंद जी पंचकुला में गए हैं, लेकिन अभी भी हम 100% उनको अपना कहते हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं इसी ऑफिस के और मेयर भी रहे हैं कॉरपोरेशन में, और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा, उनके साथ काम किया, और उनका काम बोलता है माफ़ी मांग के वोट नहीं मांगेंगे उनके लिए, उन्होंने जो काम किया 200 करोड़ रुपया उन्होंने पंचकुला में लाकर कभी सीएम से कभी कुछ से, तो वो काम किए हैं, हर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाया, आप देखोगे तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम आता है वहाँ कम्युनिटी सेंटर कहीं बन रहे हैं, कहीं बन चुके हैं, सड़कें बनाई हैं, तो ज्ञान जी का जो काम है उसकी वजह से हमें वोट मिलेगी, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन होता है, हम घर घर जाएंगे वोट मांगेंगे और उनकी उपलब्धियां भी बताएंगे और लोगों का प्यार और जो सपोर्ट है वो सब लेकर आएंगे।